हाय एवरीवन, मैं आलोक कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पी के ओलो 20 में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि माइक्रोमैक्स 32 इंच एलईडी टीवी है। उसमें क्या फॉल्ट है, साउंड ओके है लेकिन नो डिस्प्ले प्रॉब्लम हो रहा है। साउंड आ रहा है लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा है। हमारे कस्टमर ने फ़ोन किया था हमको, हम जाकर साइड में देखेंगे क्या फॉल्ट है इसमें, आपको भी दिखाएंगे वो फॉल्ट सॉल्व करके। चलो फिर देखते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। देखिए अभी फ़िलहाल मैं कस्टमर के साइड में आ चुका हूँ, अभी फ़िलहाल आपको दिखा रहा हूँ टीवी। अभी फ़िलहाल मैं स्टैंड सप्लाई देकर स्टैंड बाई रिलीज कर रहा हूँ। देखिए अभी स्टैंड बाई जब रिलीज कर रहा हूँ, देखिए कोई आगे मेरे जो पैनल है उसमें टच कर रहा हूँ, कोई कर रहा है टीवी है, क्या फॉल्ट नहीं, साउंड लाइट नहीं आ रहा। देखिए ग्रीन हो गया, होटल का रूम का टीवी खराब हो गया था, आज उसको खोलेंगे और देखेंगे क्या फॉल्ट है इसमें। देखिए मैं आपको टॉच करता हूँ, कोई लाइट नहीं कर रहा है। अगर शो करते हैं तो वो पैनल का होती है, मतलब क्या मॉडल नंबर देखिए आपको देखा होगा टीवी है 32 में पहले रिमूव करूँगा, लेके एक स्क्रू निकाल लूँगा अच्छी तरह से। निकालने के बाद फिर आपको दिखाऊँगा किस साइड में दिक्कत है, इसमें कितना स्ट्रिप लगा हुआ है और कौन सा स्ट्रिप ख़राब हुआ है और क्या क्या फॉल्ट आया है इसमें, आपको दिखाऊँगा सब ओपन करके। देखिए मैं अभी फिलहाल उसका पहले ओपन करने के बाद मैं एक एक चीज़ दिखाऊँगा वाला क्या है, खराब है या बैकलाइट का स्ट्रीम खराब है। देखिए अभी फिलहाल रेड लो कर रहे, अभी स्टैंड बाई रिलीज करूँगा, उसके बाद वोल्टेज मेजर करेंगे हमारा बोर्ड से सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं मोटर को 20 DC 600 बाय रख लिया हूँ मैं। अभी स्टैंड बाई रिलीज किया, देखिए इधर ग्रीन एलईडी शो भी कर लिया है। अभी फिलहाल हम इसके अंदर देखे वाला होल पे हमको कोई लाइट फ्लो नहीं कर रहा है। अभी फिलहाल हम वोल्टेज करेंगे हमारा वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा जो जैक है जो बैकलाइट आ रहा है 2000 उस डीसी वोल्टेज से चेक करेंगे। देखिए 128 वोल्ट तो आ रहा है, 28 वोल्ट तो आ रहा है। इसमें क्या है कि इसमें मैक्सिमम 28 से 35 तक वोल्टेज आना चाहिए, इसमें तो वोल्टेज 28 आ रहा है, मतलब सप्लाई आ रहा है लेकिन हमारा बैकलाइट क्यों नहीं ग्लो कर रहा है। हम उसका बैकलाइट का लाइट स्ट्रिप खोलेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा स्ट्रिप खराब है। ये वाला पैनल को मैं रिमूव करूँगा, देखिए जो भी स्क्रू लगा हुआ था ये पैनल को मैं अच्छी तरह से केयरफुली रिमूव कर रहा हूँ। आप जो पैनल खोलिए आपका सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि एक पैनल आपका गलती वो पैनल ख़राब कर लेगी, एक भी छोटा सा क्रैक होगा तो डिस्प्ले में दिक्कत आ जाएगा आपको, पैनल ख़राब हो। देखिए मैं स्क्रू निकालने के बाद ऊपर कवर निकाल लिया हूँ, अभी पैनल को एक जगह साइड में रख लिया हूँ और बैकलाइट के ऊपर जो कवर ग्रिप लगा हुआ है जो उसको रिफ्लेक्टर को कवर करने के लिए, उसको भी मैं अच्छी तरह से निकाल रहा हूँ, क्योंकि उसके नीचे हमारा बैकलाइट का स्ट्रिप लगा हुआ है रिफ्लेक्टर के नीचे। उनको एक एक चीज़ अच्छी तरह से आराम से खोलना है, इसे जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ये वाला जो कवर दिया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि बहुत दिन हो गया, 2-3 साल हो गया, तो अच्छी तरह से अगर नहीं खोलेंगे तो वो लॉक टूट जाता है। तो फिर प्लीज़ केयरफुली करिए, जो भी काम करिए तो केयरफुली करिए, क्योंकि एक ही गलती आपका खराब काम बना हुआ काम ख़राब कर देगी। इसलिए अच्छी तरह से काम कीजिए, तो फोकस करके काम कीजिए। जैसे ये वाला लॉक मैं अच्छी तरह से खोल रहा हूँ कोई भी, अभी फिलहाल मैं तो साइड में कस्टमर के साइड में काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक होटल है तो होटल रूम ब्लॉक करके मैं काम कर रहा हूँ। मेरे साथ भी एक असिस्टेंट गया हुआ है जो कि मेरे को मदद कर रहा है कैमरा करने के लिए। अभी फिलहाल मैं रिफ्लेक्टर ओपन कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टर को मैं ये वाला चीज़ बार बार से ओपन करूँगा अच्छी तरह से,
अच्छी तरह से ओपन करने के बाद उसके बाद रिफ्लेक्टर ओपन करेंगे, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कितना स्ट्रिप लगा हुआ है, एक स्ट्रिप में कितना एलईडी है और एक एक एलईडी कितना वोल्ट का है, उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना वोल्ट में वो ग्लो करेगा। ऊपर वाला कवर मैं निकल लिया हूँ, लॉक लगा हुआ है चारों तरफ से। ऊपर वाला जो कवर था उसका ग्रिप था, मैंने रिफ्लेक्टर का निकाल लिया, ये वाला तीन रिफ्लेक्टर तीन पीस है उसको लिया हूँ। देखिए दो स्ट्रिप लगा हुआ है, एक स्ट्रिप में 6 एलईडी लगा हुआ है, मतलब 6 एलईडी लगा हुआ है, मतलब एक एलईडी 3 वोल्ट का होता है, सब सीरीज पर में लगा हुआ होता है और हमारा 36 वोल्ट होने से वो काम करेगा। अभी फिलहाल जो पूरा पिछले में वाला जो रिफ्लेक्टर है उसको निकल रहा हूँ, अभी फिलहाल टेस्ट करके देखेंगे हमारा लाइट ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर लाइट ग्लो नहीं होगा हम किसमें देखेंगे, हमारा एक एलईडी टेस्टर रखा हुआ है, एलईडी टेस्टर से एलईडी टेस्टर में लगा लिया हूँ। अभी एलईडी टेस्टर से हम चेक करके देखेंगे कौन सा एलईडी ग्लो कर रहा है। अभी फिलहाल मैं सप्लाई दे दिया हूँ, सप्लाई देने के बाद अभी प्रॉप लगा रहा हूँ। अब एलईडी का जो प्लस माइनस है लगाने के बाद हम दिखाएंगे कितना वोल्ट ले रहा है एक एलईडी, इसमें शो करेगा और एलईडी ग्लो करेगा। देखिए अभी फिलहाल एलईडी ग्लो कर रहा है। दूसरे वाला स्ट्रिप में लगा रहा हूँ, देखिए एलईडी डिम जल रहा है, मतलब ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब एक एलईडी ख़राब हो गया। ये दोनों एलईडी सीरीज फॉर्म में लगा हुआ है, अगर एक एलईडी ख़राब होगा तो दूसरा नहीं जलेगा। डिप जल रहा है क्योंकि इसमें कोई भी एक एलईडी ख़राब हो गया है, इसके वजह से हमारा दोनों एलईडी नहीं जल रहा है, मतलब सीरीज फॉर्म में। अभी फिलहाल क्या करेंगे, अगर एक को चेंज करेंगे दूसरा को चेंज नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत आ जाएगी, सेम एम्पियर मैच नहीं करेगा, इसके वजह से हम दोनों के दोनों स्ट्रिप चेंज करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल ग्लो कर रहा है लेकिन वीक हो गया है, वीक हो गया है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए वजह से हम उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। नया वाला दो स्ट्रिप मार्केट से लाएंगे और आपको लगा के दिखाएंगे। अभी फिलहाल वो जो जैक लगा हुआ है उसको रिमूव कर रहा हूँ, उसको मारा लेके जाकर फिर मार्केट से वाला लाना पड़ेगा, फिर चेक करके उसके बाद आपको दिखाऊंगा रिफ्रेश करके कैसे काम करता है दोनों स्ट्रिप। अच्छी तरह से मैं लगा लिया हूँ, अभी फिलहाल लगा हूँ मैं उसके, क्या है नीचे उसका नीचे के साइड में क्या दिया हुआ है, क्या ऐसे पेस्ट करके दिया हुआ है, क्योंकि वो हीट उसका जो हीट सिंक है वो लग जाएगा तो बॉडी में, तो थोड़ा हीट ऑब्जर्व कर लेगा, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हमारा जो बैकलाइट का स्ट्रिप है वो चलेगा। और क्या होता है कि और हिल जाता है, इसके वजह से वो कॉन्स्टेंट रखने के लिए भी वो ग्लू देते हैं। मैं अभी फिलहाल उसको निकाल लिया हूँ, देखिए वो ख़राब हो गया है, उसको मार्केट लेके जाएंगे दोनों पीस, उसके बाद नया वाला ला कर फिर रिप्लेस करेंगे, उसके बाद आपको दिखाऊंगा क्या होता है। अभी फ़िलहाल ये वाला दोनों को मैं मार्केट लेके जाकर नया वाला परचेज करके लाऊंगा। अभी फ़िलहाल पैनल को हमें इस साइड पर रख लिया हूँ, अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर वाला नया वाला मार्केट से ला कर लगा लिया हूँ। अभी फिलहाल ये वाला जो रेजी बॉन्ड है उसके नीचे लगाएंगे पेस्ट करने के लिए, उसको लगा देने के बाद अभी फ़िलहाल लगा लिया हूँ हमने दोनों को, दोनों स्ट्रिप जो मार्केट से परचेस करके लाए थे वो 36 एलईडी का सेम टाइप का मिल गया मुझे मार्केट से। अभी फ़िलहाल लगाने के बाद थोड़ा रख लग लेंगे, उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल सप्लाई दे रहा हूँ, अभी स्टार पर रिलीज करूँगा, रिलीज करने देखेंगे ग्लो कर रहे हैं नहीं कर रहे। अभी क्या है, क्या उसमें ग्लो नहीं कर रहा है, क्यों ग्लो नहीं कर रहा है, क्यों ग्लो नहीं कर रहा है, अब देखेंगे। बोर्ड तो लगा लिया हमने, क्यों लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, इसमें क्या फॉल्ट आ गई इसके वजह से हमारा एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है।
वो भी क्या है क्या एक एक एलईडी को हम चेक करेंगे। फिर तो एलईडी तो चेक कर लिया हूँ सर, एलईडी तो चेक कर लिया हूँ, लेकिन क्यों ग्लो नहीं कर रहा, क्या वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, क्या कनेक्शन में दिक्कत आ गई, क्या लूज कॉन्टैक्ट है उसका सॉकेट में मैच नहीं कर रहा है, क्या है उसमें स्टैंड बाय रिलीज कर रहा हूँ तो ग्लो होना चाहिए था 2-3 सेकंड में, अभी फिलहाल ग्लो नहीं कर रहा है, क्यों ग्लो नहीं कर, देखिए थोड़ा लाइट आ रहा है बंद हो रहा है, मतलब ये वाला जैक थोड़ा ख़राब हो गया है शायद, ख़राब नहीं ओल्ड वाला में चल रहा था, अभी इसमें नहीं चल रहा है, क्या रीजन होता है क्योंकि अच्छी तरह से कंटा नहीं हो रहा है, इस तरह से नहीं चल रहा है, इसके हम क्या करेंगे, इधर नहीं वो वाला कनेक्टर को निकाल के फिर सोल्डरिंग करने कर देंगे, नहीं तो अच्छी तरह से कनेक्ट करेंगे, अगर अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं होगा तो फिर कनेक्ट कर लेंगे। अब फिलहाल सप्लाई दे रहा हूँ, देखिए कोई लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, क्या फॉल्ट है इसमें, आज आपको दिखाऊंगा क्या फॉल्ट है इसमें, क्यों ग्लो नहीं कर रहा है। अब फिलहाल तो स्टैंड बाय रिलीज हमने कर लिया, रिलीज करने के बाद तो ग्लो होना चाहिए, क्यों ग्लो नहीं होना चाहिए, अभी मल्टीमीटर लाएंगे आप देखेंगे क्या होता है, वोल्टेज क्यों ले आ रहे हैं, इसमें सेंसर का जैक लगा के अभी देखेंगे, इसमें से अगर रिमोट प्रेस करेंगे तो शायद आ चुका आ सकता है, लेकिन क्या कर नहीं आ रहा है, देखिए अब स्टैंड बाई तो रिलीज हो गया है लेकिन लाइट ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, शायद कोई बोर्ड में कुछ ख़राब होगी या ड्राई हो गया होगा, अभी तो जल रहा था अभी क्यों नहीं जल रहा है, और पुराना वाला तो स्ट्रिप तो ख़राब था शायद इसके वजह से नहीं जल रहा था, फिर नया वाला हमने डाल दिया उसके बाद तो जलना चाहिए, क्यों नहीं जल रहा है। अभी फ़िलहाल मैं मल्टीमीटर, मेरा जो ओल्ड वाला जो वाला मल्टीमीटर था वो ख़राब हो गया था, इसलिए मैं क्लाम मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ ज़्यादा काम चलाने के लिए, क्योंकि वो वाला मीटर मेरी ख़राब हो गया था, इसके वजह से मैं ये वाला मीटर में काम कर रहा हूँ। देखिए अभी फिलहाल देखेंगे डीसी से रेंज पे सेट कर लिया हूँ, अभी फिलहाल जैक में देखेंगे वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, वोल्टेज नहीं आ रहा है, क्या वोल्टेज नहीं, स्टैंड बाय तो रिलीज कर लिया, वोल्टेज तो हम रिलीज हो गया, वोल्टेज तो आना चाहिए लेकिन वोल्टेज नहीं आ रहा है, क्यों वोल्टेज नहीं आ रहा है हम देखेंगे। बोर्ड को निकालने का आपको देखा, वोल्टेज नहीं आ रहा है, अगर हो गया देखिए हो रहा है, मतलब सप्लाई कब दे कब नहीं दे रहा है, इससे प्रॉब्लम मतलब जो 303 एम्पीयर शायद 25 वोल्ट होगा होगा, ये वाला कैपेसिटर ख़राब हो गया शायद 25 वोल्ट सॉरी 35 वोल्ट शायद ख़राब हो गई, उसके वजह से काम नहीं कर रहे, हम इसको वाला डालेंगे फिल्टर का फर्स्ट वाला डालेंगे, डालने के बाद कहूँगा किस में, देखिए अभी फिलहाल उसका फर्स्ट लगाने के बाद अब चेक कर रहा हूँ, स्टैंड बाय रिलीज किया, कोई लाइट क्यों नहीं आ रहा है, फिर से क्या फॉल्ट आ गई है, वो वाला बोर्ड है अब दिखाऊंगा आपको, वो वाला बोर्ड पर क्या फॉल्ट आ गई है, इसके वजह से हमको शो नहीं कर रहा है, अभी क्या करेंगे, देखिए अभी लाइट ग्लो हो गया है, मतलब थोड़ा लूज कॉन्टैक्ट था, अभी फिलहाल लाइट ऑन हो गया है, एक एलईडी का लाइट ऑन हो गया है, ये वाला जो टेप था उसको अच्छी तरह से मैं लगा लूँगा, और देखिए हमारा दोनों स्ट्रिप जल गया है, मतलब वो वाला जो फिल्टर का फस्टर था वो थोड़ा ख़राब हो गया था क्योंकि वो फुल के वो फट गया था, इसके वजह से नहीं गला था, अभी फिलहाल मैं ऊपर रिफ्लेक्टर का पेपर लगा लिया हूँ, उसके बाद सप्लाई दे के आपको दिखाऊँगा रिफ्लेक्टर कितने रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा लाइट,
अभी फिलहाल क्या है क्या, उसके बाद जो इन्फ्लेटर पेपर है उसके ऊपर जो वाला उसके ऊपर जो ग्रीप है उसको मैं अच्छी तरह से लगा लिया हूँ। अभी क्या करेंगे उसके बाद सप्लाई देंगे। अभी सप्लाई दे के स्टैंड पर रिलीज कर लिया हूँ। अभी देखेंगे हमारा लाइट ग्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए हमारा लाइट ग्लो हो गया है, बैक लाइट हमारा जो ऑन हो गया है। देखिए बैक लाइट अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है, मतलब हमारा लाइट ऑन हो गया है, हमारा सिस्टम बिल्कुल ओके हो गया है। इसमें जो स्ट्रिप भी ख़राब था और पीसीबी में उसका जो फिल्टर वाला कैपेसिटर था इन्वर्टर सेक्शन में वो भी ख़राब हो गया था। फिलहाल क्या वो जो पैनल रखा हुआ था अच्छी तरह से लगा बैठा रहा हूँ। देखिए पैनल जब लगाए बारी बारी से कॉर्नर को ध्यान दें, क्योंकि कॉर्नर का एक साइड गलत हो जाएगा तो आप जो प्रेस करेंगे क्या पैकिंग वो उसको टूट देगा। इसके वजह से आपका पैनल भी डैमेज हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, इसके वजह से आपको भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि पैनल जब लगाए अच्छी तरह से लगाए और केयरफुल लगाए। मैं बोल रहा हूँ क्या, अभी फ़िलहाल तो मैं पैनल उसको ऊपर रख लिया हूँ। आप तो अच्छी तरह से एक एक चीज़ आपको दिखाया, ये वाला जो फ्रेम है उसको मेरे टेक्नीशियन को बोला के लाने के लिए उसको ये वाला फ्रेम में लगा लिया हूँ ऊपर उसके ऊपर ऊपर लगाने का अच्छी तरह से चारों तरफ लॉक कर लूँगा। देखिए मैं अच्छी तरह से लॉक करने के बाद बीच पीछे के साइड में हमारा जो LVDS है उसको भी लगाएंगे और बोर्ड का स्क्रू भी टाइट करेंगे। सब बहुत चीज़ें मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि आपके लिए मैं पूरा डिटेल्स में इसलिए इस वजह से बहुत हो गया है। अभी को पटना के बाद उसका वाला जो अच्छे वाला जो उसमें ये वाला जो टीकन बोर्ड है उसको डबल पेस्ट में उसका नीचे डाल के उसको पेस्ट कर लिया हूँ। और हमारा जो LVDS केबल है उसको LVDS केबल लगा लेंगे। इस केबल लगाने के बाद देखिए अभी फ़िलहाल डबल पेस्ट एक भी मेरी रिकॉर्ड बढ़ा क्योंकि वो नीचे वाला जो पेस्ट था वो निकल गया था। फिर डबल पेस्ट निकालने के बाद उसको नीचे डालूँगा और डालने के बाद लगा दूँगा, वो अच्छी तरह से ग्रिप कर लेगा। बोर्ड को मदर बोर्ड कॉम्बो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें माइक्रोमास का टीवी है। अच्छी तरह से जो भी काम करे अच्छी तरह से फिनिशिंग करे, तो अगर फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा काम करने के लिए। ये वाला उसके LVDS का केबल है, LVDS के केबल का मैं सप्लाई में उसमें जो पूछ फीमेल था उसमें लगा उसके रिबन था LVDS नहीं का जो रिबन लगा रहा हूँ ठीक है बाद लग कर लूँगा। आपको जो जो भी चीज़ क्या लगा और जो जाके जो किसी भी मदरबोर्ड में लगा के ये वाला जो था उस अच्छी तरह से साइड से तरह से अब देखिए तो 32 मैं केयर करना हूँ।
क्योंकि मैं साइड कोई दिक्कत है तो मेरे मेरे शॉप में काम करता हूँ, नहीं तो वो वाला शॉप जाकर लगा लगा लिया हूँ सप्लाई देकर देखेंगे हमारा पिक्चर आ रहा है जो फिलहाल सप्लाई दिया हूँ। उन्हें स्टैंड बाई में रिलीज करूँगा दो तीन सेकेंड वेट कर उसके बाद स्टैंड रिलीज हो जाएगा और हमारा डिस्प्ले भी आ जाएगा। देखिए पीछे के साइड पर ग्लो कर रहा है मतलब साइड में कवर करके देखा है। देखिए नो सिग्नल का भी आ रहा है मतलब सिस्टम पूरा वो उसका पीछे वाला कवर को देंगे उसके बाद आपको लगा के दिखाऊंगा हमारे ग्राफिक्स आ रहा है या नहीं। इसमें सिर्फ फॉल था ग्राफिक और उसका पैनल में क्या आ था नहीं आ रहा था हमको पता लगने बाद हम देखेंगे। अभी फिलहाल क्या उसमें बैकलाइट तो हम मैंने रिप्लेस किया को तो उसमें बताया आप इसमें पता फॉलो कर आप तो फिलहाल पूरा ओके हो गया है। अभी फिलहाल मैं वॉल में सेटिंग करने के बाद देखूँगा करने के बाद देखेंगे। फिलहाल मैं वॉल में कनेक्ट कर लिया रिमोट में रहा हूँ अभी अभी स्टार्ट बाय में रिलीज कर लिया। देखिए फ्लो आ गया है फ्लो अभी देखिए ग्राफिक बोलो हमारा पंप पे टीवी पूरा ओके हो गया है। इसमें सिर्फ बैकलाइट का फॉल्ट था दूसरा कुछ फॉल्ट नहीं था। इस वीडियो थोड़ा लंबी हो गई कोई बात नहीं आपका आपको जरूरी जानकारी के लिए इतना बड़ा बड़ा वीडियो मैं बना लिया हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे मेरी चैनल तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और दूसरे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए। नेक्स्ट